हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कभी भी आप मेंटली और इमोशनली इम्बैलेंस फील करते हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। और एक चीज और कि जब जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जहां पर आप अपने मन से, अपने दिमाग से, चीजों से हटना शुरू कर देते हो, यानी किसी भी चीज से जब आप जुड़ नहीं पाते हो, किसी भी चीज की वैल्यू को जब आप समझ नहीं पाते हो, कोई भी चीज जब आपको मिलती है लेकिन वो जो चीज है वो आपको खुश नहीं कर पाती है और आप अपने अंदर एक अलगावपन महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? और भविष्य के बारे में जो आपकी सोच होती है वो बहुत ही अनसर्टेन हो जाती है, यानी आपको ये समझ में नहीं आता कि जो मेरा भविष्य है, जो मेरा जीवन है, इसको किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से मुझे चलना है, आगे ऐसी मेरी प्लानिंग रहेगी जिससे मुझे बेनिफिट होगा, या मुझे भविष्य में क्या करना है। जीवन में चीजें बहुत आपके पास आएंगी, आप उन चीजों को एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीजों से अपने आप को अलग भी महसूस कर रहे हो। जब हर चीज आपको बेमानी लगे, जब किसी भी चीज में आपका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे करके हटने लगे, जीवन तभी तक जीवन है जब तक उस जीवन के अंदर या उस जीवन के साथ हमारा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जहां पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, हालांकि मेटलिस्टिक चीजें हमें मिल रही हैं, रिश्ते नाते, दोस्ती यारी, पैसा, धन दौलत, नाम शोहरत, हर चीज है, लेकिन फिर भी वो चीज हमसे जुड़ क्यों नहीं पा रही, हम उससे जुड़ क्यों नहीं पा रहे। कोई भी पैसा, कोई भी नाम, कोई भी रिश्ता, कोई भी सक्सेस, कुछ भी चीज हमें खुश क्यों नहीं कर पाती है, हम उससे जुड़ क्यों नहीं पाते हैं, हमारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर एक अलगावपन क्यों होता है। और ये जो लापरवाही वाला जीवन है ये हमारे साथ क्यों जुड़ चुका है, हमारा दिमाग, हमारा माइंड इतना लापरवाह क्यों हो गया है कि वो किसी भी चीज को मानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा कब और क्यों होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। और अगर हम माइंड की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, तो माइंड को कंट्रोल करता है मरकरी और मन को कंट्रोल करता है मून। और कोई दूसरा प्लेनेट अगर उनको किसी भी कारण से कमजोर कर रहा है तब आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। और वो जो दूसरा प्लेनेट है वो है आपका केतु। केतु हमें मेटलिस्टिक चीजों से जोड़ता है, एक्सपीरियंस करवाता है, बाद में केतु हमें उन चीजों से सेपरेट कर देता है और हम एक मन मौजी की तरह, हम एक लापरवाह इंसान की तरह अलग थलग सी जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। हो सकता है हमारे पास वो सारी चीजें हों जो दूसरे लोगों के पास नहीं होती, लेकिन उस चीज को जीने का, भोगने का जो सुख है, केतु उस चीज को खत्म कर देता है। आपके बर्थ चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, चलित चार्ट में, मून चार्ट में कहीं भी मरकरी और मून की प्लेसमेंट होती है, जैसे मरकरी यहां पर है या मरकरी यहां पर है या मून यहां पर है या मून यहां पर है, इनके साथ अगर यहां पर केतु होता है या केतु अगर यहां पर है, केतु का फिफ्थ एस्पेक्ट जो है मून के ऊपर पड़ रहा है, या केतु आपका यहां पर है, केतु का फिफ्थ एस्पेक्ट जो है वो मरकरी के ऊपर पड़ रहा है, या मरकरी के साथ कहीं केतु प्लेस है, मरकरी के साथ कहीं केतु प्लेस्ड है
और मून अगर यहां पर है तो यहां तो मरकरी के साथ केतु हो गया, दूसरा मून के ऊपर केतु का एस्पेक्ट आ गया, या मून के साथ केतु है, मरकरी आपका यहां पर है तो केतु का जो एस्पेक्ट है वो मरकरी के ऊपर चला गया, मून की प्लेसमेंट उसके साथ बनी हुई है। अगर कोई ऐसा योग आपके वर्ष चार्ट में बना हुआ है तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। मरकरी यानी हमारा माइंड। अब मरकरी और केतु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के लॉर्ड की पोजिशन जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका टेंथ हाउस होगा। टेंथ हाउस तो आपके पास है, चीजें आपके पास हैं, लेकिन फिर भी केतु के चक्कर में आप उस नाम को, उस पहचान को, रुतबे को महसूस नहीं कर पा रहे। मरकरी जिस हाउस का लॉर्ड है आपके वर्ष चार्ट में, कहीं का भी लॉर्ड होगा आपके वर्ष चार्ट में, किसी भी हाउस का लॉर्ड हो सकता है, उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके भी केतु आपको अलग करता है। जैसे मरकरी आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, टेंथ हाउस में है, तो पारिवारिक वैल्यू, वेल्थ, पैसा, इन सब चीजों से भी आप अलगाव महसूस करेंगे। हो सकता है सारी चीजें आपके बहुत सारी हो, बहुत पैसा हो, बहुत नाम हो, लेकिन अंदर से वो जो अलगावपन होता है वो रहेगा आपके अंदर। सेवंथ हाउस के लॉर्ड के साथ है केतु, मरकरी सेवंथ हाउस का लॉर्ड है या मून सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, तो लाइफ पार्टनर को लेके डिटैचमेंट आप महसूस करेंगे, ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे। तो हो सकता है चीजें आपके पास हो, मेटलिस्टिक चीजें आपके पास हो, लेकिन उसको जीने का जो एक अंदाज होता है, एक सुख होता है, किसी भी चीज को आप लेके जो सुखी होते हैं, जैसे नई गाड़ी, नया घर, नई वाइफ, नया हस्बैंड, नए दोस्त, नया पैसा, नया नाम, नया रुतबा, हर चीज तो नई है इस दुनिया के अंदर, लेकिन वो जो नई चीज है वो हमें पुरानी पुरानी सी क्यों लगती है? वो हमें वो सुकून, वो सुख, वो आनंद देने की कोशिश तो करती है वो नई चीज, लेकिन हम उस चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा जब होता है जब मरकरी और केतु और मून तीनों का आपस में योग बन जाए आपके बर्थ चार्ट में। सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बन रहा है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें या कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।